हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं बनाने जा रही हूँ दिवाली स्पेशल थाली। हमने सूरन उबाल लिया, देसी सूरन की सब्जी। इधर मसाला इसका तैयार किया। कढ़ाई में तेल डाल के थोड़ा सा पचफोरन और हींग डालकर उसके बाद हमने सूरन को हल्का सा तल लिया। तल के निकाल लिया सूरन को। इसमें पचफोरन, इसके बाद इसका मसाला हमने तैयार किया था। लहसुन और प्याज मसाले के साथ पीस लिया था। थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल के मसाले को भून लिया अच्छे से। तेज पत्ता डाल के नमक डालकर और उसके बाद हमने बनाया मटके में सब्जी। उसमें पानी डाल के धीमी आंच पे गैस पे रख दिया। उसके बाद हमने गोभी की सब्जी तैयार की। गोभी तल के रख लिया था। गोभी भून लिया अच्छे से। भूनकर उसमें तेज पत्ता डालकर नमक डाल के धीमी आंच पे भून के बढ़िया से पानी डालकर और पका लिया। इसके बाद हमने बनाया पुलाव। घी डाला, जीरा, काली मिर्च और नमक डाल के चावल को भून लिया। पानी लगा दिया। ये 5 मिनट में टेस्टी चावल तैयार हो गया पुलाव। कचौड़ी बनाने के लिए हमने लिया आटा, मंगरेला, अजवाइन, नमक, सूजी, अदरक, काली मिर्च और हरा मिर्च, हींग। धुइया हमने पीस के रख लिया था। इसके बाद डाला सरसों तेल। इसके बाद हमने कचौड़ी का आटा लगा लिया और तेल गर्म होने के बाद धीमी आंच पे उसको धीरे धीरे तल लिया। बहुत टेस्टी कचौड़ी होती है दोस्तों। आप सभी कैसे बनाते हैं बताइएगा। के बाद हमने लगाया केले के पत्ते की थाली में खाना परोसा।